हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे, ताकि आपके अपने फैमिली में, फ्रेंड में, किसी को भी जो है कभी करंट अफेयर को लेकर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है जो कि नहीं आए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 11th ऑफ सेप्टेम्बर और बिल्कुल सही कमेंट है जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं, आज है बर्थडे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। और उम्मीद करता हूँ कि जो है इसी तरीके से आपका जो प्यार मोहब्बत है वो बना रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं ना। और थोड़ी सी क्लास लेट हो गई 5-10 मिनट बिकॉज हर्ष सर और काफ़ी अपने लोग हैं जो कि आए थे, तो केक कटिंग और बाकी सब का थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है गाइस, चलिए शुरुआत करें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 11th ऑफ सेप्टेम्बर है और यहाँ पे आप ये सारे के सारे एग्जाम है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इन सब में से एग्जाम में से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन कल हमने करे नहीं थे तो हम करेंगे भी नहीं आज। आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट और आज से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है घर बैठे, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF, तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे अपना गोल है जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन में जाके 12 या 24 महीने सेलेक्ट करके BHU 10 है जो कि आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो। ओके गाइज, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे क्या है। और आज गाइज वो है स्पेशल क्लास है 9 से लेकर 12 बजे के बीच में। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि करवाने वाला हूँ अभी 9 से लेकर 12, 3 घंटे क्लास होने वाली है जिसमें हम SSC और रेलवे के प्रीवियस ईयर के GK के क्वेश्चन है जो कि कवर करेंगे, तो ज्वाइन कर लेना। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों जो कि यहाँ पे कॉमरेड के द्वारा भेजा गया था, ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड, महात्मा गांधी। बिल्कुल सही बात है जो कि बोली गई है कि किसी भी देश की जो ग्रेटनेस है और जो मॉरल प्रोग्रेस है वो इस चीज से जज की जा सकती है कि वहां के लोग जानवरों को कैसा ट्रीट करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है गाइस जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, लेकिन एक ग्रेटनेस ऑफ द नेशन की जो है वो इसी तरीके से देखा जाता है। जैसे कि हम लोग गाय को इतना मानते हैं, पूछते हैं, हम लोग हमारे बाकी जो पशुपालन में एनिमल काम में लिए जाते हैं उनको पूछते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग उन्हीं का ही ध्यान रखें, जितने भी स्ट्रीट के ऊपर जो डॉग्स होते हैं, जो काव होती है, जो कैट होती है, हमें उनको लेकर भी जो अफेक्शन है जो कि हमेशा रखना चाहिए। कोई भी एनिमल इरिस्पेक्टिव वो कहाँ पर रहता है, कैसा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों आपके एक छोटा सा एक पहल जो होती ना कि किसी भी एनिमल को बचाने को लेकर, उसको फूड खिलाने को लेकर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और इससे ग्रेटनेस किसी भी कंट्री की या आपका जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। तो हमेशा दोस्तों एनिमल को अच्छे से ट्रीट करें, ना सिर्फ इंसानों को, एनिमल भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है द हिंदू का फ्रंट पेज। आपने द हिंदू का फ्रंट पेज अभी देखा होगा तो आपको एक चीज़ जो है वो समझ में आई होगी कि यहाँ पे ये वाला न्यूज़पेपर हम लोग कल कवर कर चुके हैं 10th ऑफ सितंबर। तो गाइस कल 10th ऑफ सितंबर के अंदर यहाँ पे एक न्यूज़ थी कोने के अंदर और इसके अंदर बता रखा था कि भाई 10 सितंबर की द हिंदू की छुट्टी है तो 11 सितंबर को द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे ये बात है, नो इश्यू ऑफ द हिंदू डेटेड 11 सितंबर 2021, क्योंकि विनायक गणेश चतुर्थी थी कल के दिन, इसलिए आज द हिंदू अखबार नहीं आया है, ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर कुछ न्यूज है लेकिन वो भी अभी अपडेट है जो कि नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की तरफ चलेंगे। द हिंदू हमारे पास आज का नहीं है न्यूज़पेपर, तो इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे न्यूज़पेपर है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे न्यूज़पेपर हम लोग कवर करेंगे। तो अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको फोटो नजर आ रहा है ये 9/11, आपको मालूम है ना 11th ऑफ सेप्टेम्बर को ही दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, तो उसकी मेमोरियल बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है उसका न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसको होमेज है। होमेज का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। तो होमेज है जो कि लोग यहां पे दे रहे हैं। हमारे लिए फ्रंट पेज की अगर मैं बात करूं तो ये वाली न्यूज दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी देख लेंगे। न्यूज पोर्टल के ऊपर IT सर्विसेज का यहाँ पे इनकम टैक्स सर्वे है जिन्होंने यहाँ पे रेड मारी है, उसके बारे में देख लेंगे। तो ये दो न्यूज है जो कि फ्रंट पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मौसमी के बारे में बताया गया। देखिए मौसमी के बारे में आपको पता होगा ना कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है मौसमी, उसके अंडर में दोस्तों एक डिपार्टमेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं CSO NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में क्या होता है, दो डिपार्टमेंट पहले उसके अंडर में हुआ करते थे, CSO और NSSO। समझ गए मेरी बात? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ये दोनों जो है ना किसके अंडर में आते हैं, NSO के अंडर में आते हैं, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के।
ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बेसिकली। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दोस्तों रिसेंटली जो है एक सर्वे रिलीज किया है, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड एंड द लैंड होल्डिंग ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ हाउसहोल्ड इन रूरल इंडिया। यानी कि गांव के अंदर एग्रीकल्चर जो हाउसहोल्ड है ना, उनके ऊपर कितना कर्जा है, उनकी कितनी इनकम इंक्रीज हुई है, उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों एक फाइंडिंग है जो कि करी गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन किसी भी एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड के ऊपर है ना, एक गांव के अंदर रहने वाले परिवार के ऊपर जो है वो 57% बढ़ गया, 74,000 रुपीज हो गया। 2018 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 18 तक का डाटा बताया गया, 1920 का नहीं बताया गया अभी। तो इससे पहले 2013 तक ये 47,000 है जो कि हुआ करता था। ठीक है गाइस, तो ये रिलीज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज जो उनकी इनकम है ना, उसमें भी बताया गया कि 59% उनकी इनकम है जो कि बढ़ गई है। इनकम पता है कितनी है, पहले के टाइम पे 6426 रुपीज है जो कि हुआ करती थी 2013 में। इनके द्वारा बोला गया है कि रिसेंटली 2018-19 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकम कितनी 10,218 है जो कि हो गई है। यानी कि 59% का इंक्रीमेंट तो हुआ इनकम में। गांव के परिवार के मात्र 10,000 रुपए इनकम है जो कि इनका द्वारा बताया गया 2018 तक का है। 19-20 में तो और हालत है जो कि खराब हो गए होंगे, लेकिन 18 तक का बताया। ओके, तो 59% तो इनकम में इंक्रीमेंट, और जो इनके ऊपर लोन है वो दोस्तों आप देख सकते हैं 8-9 महीने तक का तो लोन ही है। 74,000 रुपीज है जो कि इनके ऊपर लोन है जो कि बताया गया। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि अकॉर्डिंग टू द मॉस्फी रिसेंटली जो सर्वे के अंदर कितनी हाउस होल्ड इनकम है जो कि किसी की बताई गई है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना लोन है और लोन की परसेंटेज कितना बढ़ा है इन द पास्ट 5 ईयर। इस तरीके का सवाल है जो कि बनता है और हम लोग आंसर नहीं कर पाते। तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि 6,000 तो पहले 6,500 पहले थी और अभी 10,000 के आसपास। लोन पहले दोस्तों 47,000 रुपीज का था, अब वो बढ़ के 74,000 का कर्जा है जो कि एक किसान के परिवार के ऊपर हो गया है। ठीक है गाइज, ये यहाँ पे पूरी जानकारी है जो कि दी गई है। यहाँ पे एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड जो है वो 9.5 करोड़ है जो कि बताए गए हैं। यानी कि 9.5 करोड़ घर है जो कि बताए गए एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड। तो सर्वे के अंदर दो विजिट करी गई, जुलाई से दिसंबर 2018 और जनवरी से जून 2019। तो उसके अंदर ये डाटा है जो कि कलेक्शन पूरा किया गया है। 4,000 रुपए जो पहले इनकम थी उसके अंदर दोस्तों कल्टीवेशन जो फील्ड से आप क्रॉप उगाते हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गए, फोडर क्रॉप हो गए, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, इन सबसे जो भी पैसा कमाते हैं वो कुल मिला के 10,000 रुपए के आसपास है जो कि एस्टिमेशन दिया गया। सबसे ज्यादा जो कर्जा है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के किसानों पे 2.5 लाख रुपए का, फिर केरला, फिर पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, तेलंगाना। सबसे लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लोवेस्ट जो है वो है नागालैंड, नागालैंड के कुछ 1,000 के आसपास है जो कि नागालैंड में देखने को मिलता है आपको। ठीक है गाइस, चलिए तो ये आपको एवरेजली आपको 2 लाख रुपए के आसपास जो है कुछ बड़े राज्यों में देखने को मिलेगा। तो ये रिसेंटली फाइंडिंग के अंदर पूरी जानकारी दे दी गई है। ठीक है गाइस, हमारे यहाँ पे सीएसओ जो ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके हेड है राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर है मॉस्फी के, और जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्री है। इसके अलावा बात करें तो 1951 में इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये मॉस्फी है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पूरा सर्वे करने का काम, सब कुछ जो होता है ना, पर कैपिटा इनकम पता करना, किसी की अपने यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में पता करना, इनकम के बारे में पता करना, ये सारी जानकारी इन्हीं के द्वारा है जो कि दी जाती है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और एक है प्लानिंग का, समझ गए। तो प्लानिंग वाले को बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसके अंदर क्या 3 ऑफिसेज आते हैं, एक तो है आपका NSSO, एक है आपका CSO और एक है आपका कंप्यूटर सेंटर, समझ गए। मैंने आपको बताया मॉस्फी के नीचे हो गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके नीचे 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गई NSSO जो कि आपका सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, एक CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एक कंप्यूटर सेंटर। ठीक है गाइस, अब देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो NSSO है ना, ये आपके दोस्तों रिसर्च का काम, प्रोसेसिंग का काम, कोऑर्डिनेशन का काम ये सारे करेगा। स्टैटिस्टिकल ऑफिस आपके अकाउंट का काम करेगा, इंडस्ट्रियल स्टैट्स निकालेगा, मिसलेनियस स्टैट्स निकालेगा, सोशल स्टैट्स निकालेगा, ये सारे काम करेगा और ये पूरा का पूरा उसको संभालने का काम करेगा। इस तरीके से दोस्तों इसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 2019 के अंदर ही जो है NSO के अंडर में ही जो है इन दोनों को डाल दिया गया था, NSSO और CSO को। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं जो कि आईटी सर्वे ऑन प्रीमिसेस ऑफ न्यूज पोर्टल। देखिए दो न्यूज पोर्टल है जिसके ऊपर रिसेंटली अभी न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक, ये दो पोर्टल है जिनके ऊपर रिसेंटली इनकम टैक्स ने सर्वे ने दोस्तों कंडक्ट किया प्रीमिसेस में, और यहाँ पे सुबह से शाम तक जो है यहाँ पे पूरी की पूरी जांच पड़ताल करी इनके ऊपर दोस्तों। टैक्स इवेजन के जैसे कि दैनिक भास्कर के ऊपर जो चार्जेस लगे थे ना, वही चार्जेस है जो कि इनके ऊपर भी लगाए गए हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर इनके प्रीमिसेस की जांच है जो कि यहाँ पे करी गई है। और एक बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इनकम टैक्स एक्ट को द्वारा जो ऑफिशियल होते हैं ना इनकम टैक्स के, जैसे कि आपका एसटी क्लियर होता है तो आप इनकम टैक्स में जाते हो ना, तो आपके पास में ये पावर होती है, एम्पावर होती है कि आप किसी की भी प्रीमिसेस में जा सकते हो, है ना। किसी का घर हुआ, शॉप हुई, फैक्ट्री हुई, आप वहां पे सर्च है जो कि कर सकते हो और अपने ऑपरेशन जो है वहां पे कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये जो भी सर्वे किया जाता है आईटी ऑफिशियल्स के द्वारा, ये सेक्शन 133 ए के तहत किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। समझ गए मेरी बात, कौन सा सेक्शन है? मेरे लिए ये न्यूज जो आपको बताने का था वो सेक्शन 133 ही था। बफरिंग हो गया क्या? एक बार चेक कर लेता हूं यार, स्पीड तो ठीक आ रही है आई गेस। चलिए ठीक है, ये वाली बात हो गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 133 ए के तहत। तो अगर आप दोस्तों इनकम टैक्स में जाते हो कल को एसएससी के द्वारा, सीजीएल के द्वारा, तो इनकम टैक्स में अंदर आपको सेक्शन 133 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप कहीं पर रेड है जो कि मार सकते हो, वहां पर सर्वे कर सकते हो कि क्या यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए? ये देखो, अगर यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स सर्वे लिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगला आदमी करप्ट हो चुका है। आप सर्वे करने जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पे टैक्स की कोई इवेजन की, टैक्स इवेजन का मतलब है कि टैक्स को छुपाना, गोलमाल करना, ब्लैक टू व्हाइट करना, इसका जो है कारण कुछ ना कुछ हुआ होगा, जैसे कि दैनिक भास्कर पे भी मारी है रेड। तो लेकिन क्या रेड मारने से वो कल्प्रिट बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, रेड मारते हो, उसके बाद में प्रूफ कलेक्ट करते हो, उसके बाद में कोर्ट में पेश करते हो, फिर सजा होती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन पहला जो है ये एक तरीके से सर्वे माना जाता है। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर मैंने ये भी देखा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री जो है ये काम के, न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री क्या करते हैं। तो मैंने न्यूज क्लिक का जो है वेबसाइट खोली तो सबसे पहले मेरे को लिखा हुआ आया इकोनॉमी पस्त धन्ना सेठ मस्त। बहुत ही खतरनाक हेडलाइन है जो कि बना रखी है। कुल मिला के क्या ये न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक जो है ये आपको थोड़ा फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कर रहे हैं ये लोग, है ना, इकोनॉमी के ऊपर, सबके ऊपर। तो जिसके अंदर चीजें जो है वो देखिए, देख सकते हो आप, इसमें बताया गया कि जो पर कैपिटा जीडीपी है 2017 के अंदर जो थी ना, उससे भी कम है जो कि 2021 के अंदर है, जो कि एक आम आदमी की हो गई है हमारे देश में। 2017 में 24,000 थी, आज 23,000 है, 23,900 है जो कि यहाँ पे रह गई है। इसके अलावा बताया गया है कि जो इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके, जो गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, अगर अमीर की इनकम की बात करें तो 38% बढ़ी है, लेकिन गरीब की पिछले 4 सालों के अंदर यहाँ पे 2.5% बढ़ी है 2019 से 21 तीन साल के अंदर बताया गया है। तो इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पे पढ़ना ही था, वो तो खैर ये तो ऑब्वियस है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि लेबनान के लेकर बात करते हैं। तो देखिए लेबनान ने दोस्तों फाइनली, है ना, 1 साल के बाद में गवर्नमेंट है जो कि बना ली है। काफी धक्का मुक्की है जो कि हो रही थी अपोजिशन पार्टी के बीच में, हुआ यह था कि भाई यहाँ पे बैरेट के अंदर आपको मालूम है ना लास्ट ईयर में ब्लास्ट हुआ था, जिससे इकोनॉमी इनकी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, हालत बहुत खराब हो गए थे। ये बात है कोई 4 अगस्त 2020 की। उसके बाद में अपोजिशन ने दोस्तों क्या मिलाया, हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद में वही हाथ है जो कि खेसने लग गए एक दूसरे का और सरकार जो है वो नहीं बन पाई। फाइनली दोस्तों यहाँ के जो सबसे बिलेनियर है, यहाँ के जो अंबानी है, वो है नजीब मिखाती। तो फाइनली दोस्तों नजीब मिखाती जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री है जो कि बनने वाले हैं। और उस कैटास्ट्रोफिक के बाद में वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था हसन, उनको रिजाइन भी जो है वो देना पड़ गया था। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों डिसएग्रीमेंट के बाद में नई गवर्नमेंट है जो कि इन्होंने बना ली है। ओके गाइज, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेबनान दोस्तों कहां पर है, ये आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में, दिख रहा होगा आपको, इसराइल के बिल्कुल बाजू के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे बैरूत इनकी कैपिटल, सबसे बड़ी सिटी है, अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और यहाँ पे इसके अलावा बात करें तो नजीब मैंने आपको बताई दिया प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, इसके अलावा ग्रेटर लेबनान का फॉर्मेशन 1920 के अंदर हुआ, फ्रेंच से दोस्तों इनको आजादी है जो कि मिली थी 1946 के अंदर जो है, उसके बाद में इसराइल ने कब्जा कर लिया था, तो इसराइल ने भी अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया 2000 के अंदर।
फिर सीरिया के भी ट्रूप चले गए 2005 के अंदर। ओके गाइस, पॉपुलेशन की बात करें कोई 70 लाख की पॉपुलेशन है, कोई ज्यादा नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारे बराबर ही है, समवेयर $2,500 पर ईयर पर पर्सन। जीडीपी आईजीआई के अंदर आई और लेबनीज पाउंड है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं जो कि है जियो के फोन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, लास्ट एजीएम जब हुई थी दोस्तों, उस टाइम पे अंबानी जी के द्वारा एक बात बोली गई थी कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग गूगल के साथ में मिलकर क्या लेके आने वाले हैं, क्या लेके आने वाले, जियो स्मार्टफोन लेके आने वाले, स्मार्टफोन लेके आने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो वो चीजें थोड़ी डिले हो गई है। क्यों डिले हो गई है? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप्स है ना, उनका शॉर्टेज है जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए कोविड के अंदर क्या हुआ कि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, यहाँ पे काफी मैन्युफैक्चरिंग होती है इन सब की, चिप्स की, सेमीकंडक्टर चिप्स की, जो कि एक तरीके से ब्रेन माना जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। हर एक डिवाइस में एक चिप तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब वहां पे क्या हो गया, कई सारी कंपनी कोविड के अंदर बंद पड़ गई, कई सारी फैक्ट्री बंद पड़ गई, तो दुनिया में दोस्तों डिमांड और सप्लाई का गैप है जो कि बहुत ज्यादा आ गया। इसी वजह से क्या हुआ कि आपको मालूम है टाटा ने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि हम भी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में उतरने वाले हैं ताकि लोगों को जो है वो सप्लाई मिल सके और बिजनेस में आगे बढ़ सके। और इसी वजह से दोस्तों क्या हो गया, रिलायंस जियो और गूगल का जो प्लान था लॉन्च मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन का, वो दिवाली तक दोस्तों डिले है जो कि हो गया है। आप सभी को मालूम होगा ₹5,000 के अंदर दोस्तों जियो है जो कि स्मार्टफोन लेके आने वाला है और मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन ग्लोबली है जो कि इसको बताया गया। जियो फोन नेक्स्ट है जो कि इसको नाम दिया गया है। पहले जियो आ चुका था जिसमें स्मार्टफोन नहीं था, छोटा वाला मोबाइल फोन था, और ये जियो फोन नेक्स्ट है। अब देखिए चाइनीज को दोस्तों, चाइनीज के जो मोबाइल फोन है आपके, जो ये वीवो, ओप्पो और ये सब, शाओमी और ये सब, वन प्लस आते हैं ना, इसको कितना टक्कर दे पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसकी क्वालिटी, इसकी कैमरे क्वालिटी बाकी कितनी होगी ये तो आने वाले वक्त पे बताएगा। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा बेहतर हो ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारे पास में भी, इंडिया के पास में ऑप्शन हो सके। देखो अंबानी को और डबल अंबानी, अंबानी स्क्वायर बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। माइक्रोमैक्स ने भी कोशिश करी टक्कर देने की चाइनीज फोन को, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, राहुल शर्मा ने वापस से लॉन्च किया था, देशभक्ति वाला चैप्टर भी ओपन किया था माइक्रोमैक्स के साथ में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं पाया बिकॉज एंड ऑफ द डे प्राइस वॉर के अंदर प्राइस ही जीतती है, है ना। आप देशभक्ति के चक्कर में किसी को ₹1 से ₹1.50 दे सकते हो, लेकिन ₹1 से ₹5 नहीं मांग सकते हो। तो उसी मोबाइल फोन के अंदर जो है अगर बेहतर क्वालिटी होगी तो हमारे देश के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर ही होगी और देश का पैसा देश के अंदर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, और साथ में टेक्नोलॉजी के लिए गूगल ने भी हाथ मिलाया है। तो उम्मीद करते हैं कि गूगल साथ में है तो फिर क्या ही बात है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिले क्यों हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। जियो फोन नेक्स्ट क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन है ये भी मैंने आपको बता दिया, गूगल असिस्टेंट और ये सब इसके अंदर होगा, और शॉर्टेज के कारण जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चल देते हैं इसी के साथ में। और आप देख सकते हो ₹5,000 के ब्रैकेट में लॉन्च किया जाएगा और 300 मिलियन 2G सब्सक्राइबर जो है वो नए फोन की तरफ, यानी कि अभी भी भारत में 30 करोड़ लोग हैं जो कि 2G काम में लेते हैं, तो ये 5G की तरफ है जो कि मूव ऑन हो जाएंगे, 2G मुक्त और 5G युक्त है जो कि ये हो जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को लेकर। आप देख सकते हैं दोस्तों वापस से पैदा हो गए, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो अल्बर्ट ही आ गया, लेकिन अल्बर्ट नहीं है दोस्तों, ये अल्बर्ट का एक रोबोट है जो कि बनाया गया है चाइना के अंदर। चाइनीज कुछ भी बना सकते हैं, है ना, इनका बस चले तो कि बिल्कुल अपना जैसे एक और पूरा कैबिनेट का कैबिनेट जो है वो कॉपी मार दे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट है दोस्तों जो कि आप अल्बर्ट के बिल्कुल एज इट इज है जो कि बनाया गया, डेवलप किया गया एक्स रोबोट्स के द्वारा और डिस्प्ले किया गया बीजिंग के वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस के अंदर, समझ गए, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2021 के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए तो काफी जबरदस्त चीज है और काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपको साथ में शेयर कर दी, बिल्कुल कॉपी बना दिया है रोबोट को एकदम ही, मतलब। चलिए आगे बात करते हैं याहू को लेकर। तो याहू ने दोस्तों क्या हुआ है कि याहू ने जो अपने टिंडर के टॉप बॉस था ना लेंजोन, उसको अपना सीईओ है जो कि नियुक्त किया है। तो याहू ने दोस्तों जो टिंडर करके, टिंडर यूज करिए, कभी करी होगी आप लोगों में से बहुत लोगों ने, है ना, करिए कि नहीं करिए, टिंडर यूज करी होगी मुझे गारंटी है, बहुत सारे लोगों ने करी होगी। टिंडर क्या है, एक सोशल, बताऊंगा नहीं वरना आप कर लोगे पता लगा, पहले तो नहीं करी लेकिन अब करना चालू कर दिया और अपने टाइम जो है उसको किल करना चालू कर दिया। गाइज बिल्कुल भी मत करना, अभी आपका टाइम जो है वो आपके करियर को लेकर है, टिंडर उंडर के चक्कर में मत पड़ो। चलिए जो नौकरी पेशा लोग हैं और ठीक है वो लोग ज़्यादा काम में लेते हैं। चलिए तो टिंडर के जो दोस्तों बॉस थे उनको याहू का बॉस है जो कि अभी बना दिया गया है। टिंडर बॉस है जिम, वो सीईओ है जो कि उनको बनाया जा रहा है दोस्तों। और ठीक है, चलिए तो यहाँ पे $5 बिलियन का एक्विजिशन भी जो है वो वेरिजोन मीडिया के द्वारा किया गया है ना।
ठीक है, अब याहू के बारे में बात करें तो दोस्तों याहू भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हुआ करती थी। आपको मालूम है कि एक बार याहू जो है ना वो गूगल को खरीदने वाली थी, लेकिन गूगल को खरीदने से मना कर दिया इसने। यार सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है। 1994 में दोस्तों याहू की शुरुआत हुई यूएस के अंदर ही जेरी और डेविड के द्वारा, जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। ओके गाइज, और आज 8-9 हज़ार एम्प्लॉयज जो कि काम में लेते हैं, और वेरिजोन के द्वारा इसको अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले खरीद लिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। 1998 के अंदर है ना जब गूगल की शुरुआत हुई थी, तो याहू ने दोस्तों गूगल को खरीदने से मना कर दिया था, और पता है कितने के अंदर? उस टाइम पे $1 मिलियन के अंदर। आज $1 मिलियन कुछ भी नहीं है यार, $1 मिलियन उस जमाने में भी कोई बड़ी रकम नहीं थी इतनी बड़ी कंपनीज के लिए। तो उसको लगा कि गूगल क्या है यार, बेकार सी चीज है, कौन खरीदेगा, इसके ऊपर पैसा लगाएगा। याहू ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी गूगल को रिफ्यूज करके। ठीक है, बहुत सस्ते में बिक रही थी। 2002 के अंदर दोस्तों याहू ने रियलाइज किया कि उसने मिस्टेक कर दी है, और गूगल को $3 बिलियन में खरीदने की पेशकश करी। सिर्फ 4 साल के अंदर प्राइस देख रहे हो आप कितनी हो गई है, 300 गुना ज्यादा। गूगल ने बोला गिव अस $5 बिलियन गूगल ने बोला 3 बिलियन में नहीं जाएंगे हम लोग, $5 बिलियन दे दो गूगल तुम्हारी। लेकिन याहू ने $5 बिलियन देने से मना कर दिया। एक और बहुत बड़ी बेवकूफी, पहले बेवकूफी हुई फिर वापस हुई। ठीक है गाइस, 2008 के अंदर याहू को ऑफर आया माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि $40 बिलियन में हम आपको खरीद लेते हैं, याहू को खरीदने के लिए बोला $40 बिलियन। याहू ने मना कर दिया, नहीं नहीं $40 बिलियन में थोड़ी ना बिकेंगे हम। तो ये तीसरी बड़ी गलती। फाइनली दोस्तों 2016 के अंदर याहू, पता है क्या हुआ, मात्र $4.5 बिलियन में बिक गया किसको, वेरिजोन को। मतलब $40 बिलियन की डील मिल रही थी 2008 में, उसको छोड़ के 2016 में मात्र $4.5 बिलियन के अंदर है जो कि ये चला गया। तो ये बहुत सारे गलत फैसले जो है वो याहू के दोस्तों लैंडमार्क डिसीजन है जो कि माने जाते हैं दुनिया के स्टार्टअप कल्चर के अंदर, और इनके ऊपर काफी स्टडीज भी होती है कि क्या ऐसा कारण रहा, क्यों ऐसा कारण रहा, ऐसे फैसले हैं जो कि अजीब और गरीब फैसले लिए गए। सोचो अगर गूगल को याहू खरीद लिया होता तो आज याहू कहाँ पे होता, मतलब यार। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता की। तो जनसत्ता में दोस्तों अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे ना, ओके आपको मालूम है ना सोले जो थे, उनके भाई की दोस्तों तालिबान ने हत्या कर दी। तालिबान सरकार को दोस्तों $310 लाख की मदद भी जो है वो चाइना के द्वारा दी गई है। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट दोस्तों पहले तो कंट्री पे होता था, और अभी आतंकवादियों के ऊपर भी जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। चलिए इसके अलावा फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पे ठीक है, और तो कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो 5वां टेस्ट मैच था वो रद्द हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट है, ओलंपियन चैंपियन एलन थॉम्सन हेरात ने दोस्तों डायमंड लीग फाइनल में महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे जीत लिया है। कहाँ की, जमैका की है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है जो कि एथलीट है जो कि मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है ये चैंपियनशिप है जो कि डायमंड लीग मानी जाती है, थॉम्सन नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं। दिल्ली में शुरू हुआ पहला सोलर माइक्रो। तो देखिए दिल्ली में कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी में बिजली की जरूरत पड़ती है, याद है आपको, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हॉस्पिटल में बिजली चले गई है, कोई इमरजेंसी वाली जगह पर बिजली चले गई, तो वहां पर दोस्तों उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ताओं को सोलर माइक्रो ग्रिड से बिजली आपूर्ति है जो कि करी जाएगी। इनफैक्ट जो इमरजेंसी सेवाएं नहीं, जो जनता है ना उनको भी इमरजेंसी के अंदर जो है सोलर ग्रिड से बिजली है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी। तो दिल्ली में पहला सोलर माइक्रो ग्रिड है जो कि बनाया गया है। स्मार्ट ग्रिड को तैयार करने में 5.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। लिथियम आयन बैटरी यूज करी, और 466 किलोवाट सौर ऊर्जा का भंडार है जो कि ये कर सकता है। ठीक है गाइस, 466 किलोवाट, तो ये आप देख सकते हो कि 1 मेगावाट से नियर बाय 5,000 घरों को बिजली मिलती है। तो 466 किलोवाट की बात करें तो नियर बाय आप देख सकते हो कि 2,500 घरों को बिजली है जो कि अवेलेबल करवा सकता है, 5.5 करोड़ रुपए का है। अभी सोचिए दिल्ली में ऐसे 1,000 सोलर ग्रिड बन जाए तो बिजली के लिए कितनी जबरदस्त, सोलर से ही हमारा पूरा सिटी है जो कि चलने लग जाए, और कितने जबरदस्त चीज़ों, ना तो कोई कार्बन इमिशन हो, ना कोई ज़्यादा पैसा लगे, और ना कोई आपके नेचुरल रिसोर्सेज को काम में लेने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको काफ़ी सारे जो है वो लगाने को लेकर बोला जा रहा है, और ग्रिड के साथ में चार्जिंग स्टेशन भी जो है वो बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो मदद ली गई वो जर्मनी से मदद ली गई है, जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सहयोग से जो है इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, जर्मनी के साथ में और भी जो है काम करने को लेकर बोला जा रहा है।
सोलर ग्रिड से एक साल में कार्बन उत्सर्जन में 115 टन की कमी आ जाएगी, आप देख सकते हो। साथ में 115 टन की तो कार्बन इमिशन में कमी आएगी, और 30 मैट्रिक टन कोले जो है उसको भी जलने से हम लोग बचा देंगे। तो इससे पहले टाटा पावर ने भी दोस्तों स्मार्ट ग्रिड प्रणाली है जो कि शुरू करी थी, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा, आपको पर्यावरण में भी फायदा मिलेगा और आपको बिजली में मिलेगी, बहुत ही अच्छा मॉडल है। आगे बात करते हैं, कार्बन सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है उसको भी चालू कर दिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है जो कि लगाई गई है ग्लोबल वार्मिंग और उससे उपजी तमाम जो विपदाओं से मुक्ति का हथियार बनाने का दावा इसमें किया गया है। देखियो क्या क्या है इसके अंदर, कि जो भी आपके कार्बन निकलेगा ना एटमॉस्फेयर में उसको ये क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और आसमान में से कार्बन को कम करने में मदद करेगा। हालांकि दोस्तों बोलते ना कि एक समुद्र में से एक पानी का ग्लास निकालने जितना ही है जो कि ये कार्बन को रोकेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम तो हुआ। तो आइसलैंड में स्थापित की गई कार्बन सोखने की सबसे बड़ी मशीन वैज्ञानिकों ने चालू कर दी है, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो भी निकलेगी उसको खत्म करने के ऊपर काम है जो कि किया जाएगा, समझ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसलैंड है, आइसलैंड के अंदर यहाँ पे हेलीशेवोव पावर स्टेशन है जो कि बनाया गया है, ठीक है गाइस। ओर्का नामक इस मशीन को ज्यूरिख की कंपनी एक उसने बनाया है और यहाँ पे स्थापित किया, 110 करोड़ रुपए है जो कि इसके अंदर लगे हैं। और ये कितना सोखने वाली है, 4000 टन कार्बन है जो कि ये सोखने वाली है, यानी कि 790 कारों से जितना एक साल के अंदर इमिशन होता है ना 800 कारों से वो सारा का सारा ये ले लेगा। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूं गाइस तो टोटल 34 अरब टन दोस्तों कार्बन का उत्सर्जन है जो कि होता है। तो 34 अरब टन में से 400 टन का फायदा है जो कि हमें यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है गाइस। लेकिन एक तरीके से दुनिया में उम्मीद है जो कि कायम हो गई है, अगर इसी को ही अगर मान लीजिए 1000 गुना कर दिया जाए तो काफी मदद है जो कि मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ईवी डे को लेकर। तो 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, उसको एनकरेज करना, उसके बेनिफिट बताने को लेकर दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। आप देख सकते हैं आज के टाइम पे ऑडी, मर्सिडीज, महिंद्रा से लेकर टाटा भी इसके ऊपर काम कर रहा है, डीजल गाड़ियां बंद कर दी है मारुति ने और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रहे हैं। तो दुनिया में काफी जगह पे दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम है जो कि हो रहा है। टेस्ला भी दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इसके लेकर बना है। तो ईवी समिट भी दोस्तों इसलिए करवाया जाता है ताकि दुनिया के लीडर जो है वो एक जगह पे आए, ब्रेनस्टॉर्म करें, इलेक्ट्रिफिकेशन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को लेकर काम करें। ग्रीन टीवी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज है जो कि करवाया जाता है। पहला एडिशन इसका 2020 में ही है जो कि कराया गया है, ठीक है गाइस। चलिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईवी मार्केट की बात करें तो दोस्तों चाइना इज द लार्जेस्ट ईवी मार्केट वर्ल्ड वाइड, ओके। और दुनिया में जो फेवरेट डेस्टिनेशन ईवी के लिए बन रही है, ऑटोमोटिव कंपनी के लिए बन रही है, वो इंडिया बन रही है। देखिए इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी मैं व्हीकल्स की बात करूं तो हमें रोड के ऊपर दोस्तों काफी सारे फोर व्हीलर आजकल देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं पूरे कंट्री के ओवरऑल बात करूं तो भी हम लोग चाइना से बहुत पीछे। चाइना के अंदर 1000 के ऊपर 35 लोगों के पास में फोर व्हीलर है, हमारे देश में कोई 3 या 4 लोगों के पास में फोर व्हीलर है, समझ रहे हो। तो अभी भी इंडिया का जो ऑटोमोटिव मार्केट है ना ये बहुत बहुत इमेंसली बहुत बड़ा है। हम लोग शहरों के अंदर गाड़ियों की भीड़ भाड़ देखते हैं लेकिन गाँव के अंदर नहीं है। 65% आज भी हमारा ग्रामीण भारत है, समझ गए। तो क्या है कि चाइना के अंदर दोस्तों ऑटोमोटिव मार्केट बहुत ऊपर बढ़ गया है, उसी को लेकर हमारे पास में भी स्कोप अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग अगर पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आ गए आने वाले 2-4-5 सालों में, तो हम लोग जो है ये गाड़ियों का जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा ना उससे हम लोग बच सकते हैं। और इन्वायरमेंट जो है दोस्तों एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि हर एक आदमी को, बुजुर्ग बच्चे सबको मिलना चाहिए। शुद्ध हवाएं तो एक फ्री में जो है एटलीस्ट यार मिलनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो वो एक बहुत जरूरी है। चलिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर दोस्तों जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो ओला है, ओला इलेक्ट्रिक अभी आ रही है, और जो हमारे ये टाटा और ये मारुति, ये सब कंपनी जो है बहुत बड़ा काम है जो कि कर सकती है। पूरी दुनिया में देखिए 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट है जो कि अभी हम लोग हैं, और 3rd बन जाएंगे पूरी दुनिया में 2030 तक, समझ गए गाइस। एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर आपने शेयर नहीं किया तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। उसी प्रकार से दोस्तों 9 सितंबर को जब वर्ल्ड ईवी डे होता है उसी टाइम पे हमारे देश में भी हिमालय दिवस है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। हिमालय दिवस है जो कि मनाया जाता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाया हिमालय दिवस, ओके, नोएडा फाउंडेशन के साथ में, आजादी का अमृत महोत्सव के साथ में। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में दोस्तों मैंने जितना विजिट किया है, पूरी वर्ल्ड के 15-20 कंट्रीज जो मैंने विजिट करे, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डेफिनेटली दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है,
लेकिन सच बता रहा हूँ, हिमालय से बेहतर पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओके, जब बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटियाँ हमारे हिमालयाज में है, तो ये जनरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, जो आपका हिमाद्री है, उसके नीचे जो आपके मिडिल हिमालयाज है, उसके बाद नीचे जो शिवालिक रेंजेस है, तीनों के तीनों रेंजेस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हिमालय दिवस की जो थीम रखी गई है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये थीम है दोस्तों जो कि इस बार की रखी गई है। ओके गाइज, और एवरी ईयर उत्तराखंड के अंदर इसको जो है सेलिब्रेट है जो कि किया जाता है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के द्वारा ही 9 सितंबर को हिमालय दिवस की घोषणा है जो कि करी गई थी। ठीक है गाइज, चलिए ठीक है। और हम लोगों को जरूरत क्या है कि देखो स्विट्जरलैंड और कश्मीर, या फिर इसमें फर्क क्या है कि स्विट्जरलैंड में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, आपको सुविधाएं मिलेगी, रोड बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत जबरदस्त मिलेगी, जगह जगह पे आपको टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। तो हमें भी जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, लाइन के ऊपर आके जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि किया जा सके, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज करते हैं, और हमारे हिमालयाज को थोड़ा एक्सेसिबल बनवा सके, ताकि एक आम आदमी भी, आम बच्चा भी जाके घूम सके और समझ सके, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, अपना उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो यहाँ पे तक जो लोअर रेंजेस है ना, वहाँ तक ही लोग जा पाते हैं, और वहाँ पे फिर इतनी भीड़ कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि यार ये हिल स्टेशन है ये मनाली को, तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही कर दिया मतलब लोगों ने, मतलब इतने पंजाब दिल्ली से इतने लोग जाते हैं और इतनी वहाँ पे रेल बना के रखते हैं, बेचारे बर्फ भी काली हो गई है मतलब। ठीक है, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जा सके और टेक्नोलॉजी के लाइन पर डेवलपमेंट किया जा सके। चलिए, तो ये पहाड़, पानी और परंपरा, ये वेबिनार है जो कि दोस्तों इसके ऊपर करवाया गया है। और हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी पहाड़ों में कहीं पे भी ट्रैवल करो तो कभी भी गंदगी मत किया करो यार, है ना। अक्सर जो है मैं देखता हूँ कि लोग अक्सर पानी पी के बॉटल फेंक देते हैं, जितनी ज़रूरत हो सके उतने कम प्लास्टिक बॉटल को काम में लो, ठीक है। और अगर काम में ले भी रहे हो तो उसको एटलीस्ट जो है सही जगह पर फेंको, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में मत फेंको। बाहर के लोग आके हमारे देश में ध्यान रखते हैं, लेकिन हम लोग हमारे देश में नहीं रखेंगे, ये बहुत ही गलत चीज़ है। चलिए, तो ये देख सकते हो आप, जब दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी में हिमालयाज पढ़ते हैं तो हम उसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो आपकी दोस्तों ये वाली ट्रांस हिमालय रेंजेस, कभी ज्योग्राफी पढ़ोगे ना मेरे से तो यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, ट्रांस हिमालय यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के हिमालयाज, पूर्वांचल हिमालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट के हिमालयाज, और ये वाला जो है ना, ये हमारे दोस्तों जो है इनको हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं। हिमाद्री सबसे ऊपर वाली रेंज, फिर मिडिल हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज बोलते हो, नीचे वाले आपकी शिवालिक रेंजेस जो कि सबसे नीचे वाले जिसके अंदर देहरादून और ये सब बने हुए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि डीआरडीओ ने हैंड ओवर किया MRSM सिस्टम टू इंडियन एयरफोर्स। MRSM सिस्टम दोस्तों क्या है, ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। मीडियम रेंज की सरफेस से एयर पे अटैक करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो कि दोस्तों डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स को जो है अभी हैंड ओवर करी है। ओके गाइज, तो ये ज्वाइंटली डीआरडीओ और किसके द्वारा बनाया गया है, ये पेपर में पूछेंगे। इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका कोलैबोरेशन है जो कि किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको 4.5 मीटर की लेंथ है, ओके गाइस, और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी। $2 बिलियन के अंदर दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हो आप, चलिए ये कई सारे सिस्टम है जो कि इसके अंदर बनाए गए हैं। चलिए गाइज, एक और बात, अभी 9 से लेकर 12 बजे तक जो है आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल क्लास रखी है अनअकैडमी के ऊपर, फ्री स्पेशल क्लास, जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है SSC और रेलवे में आए हुए, वो मैं आपको कवर है जो कि करवा रहा हूँ, GK के क्वेश्चन है। डिटेल के अंदर हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, तो ज्वाइन कर लेना। अभी 9 बजे क्लास है, 5-10 मिनट के बाद में ये खत्म होते ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्टर ने दोस्तों लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ओके गाइस, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दोस्तों लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 स्वच्छ भारत मिशन Phase 2। तो ये Phase 2 है जो कि लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पहले तो ODF था, फिर ODF प्लस बना, फिर ODF प्लस प्लस है जो कि आ गया। इनके क्राइटेरिया क्या थे ये भी हम लोग देख चुके हैं कि ODF प्लस प्लस में क्या था, कि भाई आपको आपके मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वाटर को रिसाइकल करना, ये सब भी जो है होना चाहिए, 10% पॉपुलेशन जो है रिसाइकल को काम में ले, ठीक है। तो ये सब चीजें, चलिए तो ये सब तो खैर हम लोग पहले कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये दिवस भी दोस्तों मनाया गया। तो ईवी डे भी आता है, हिमालय डे भी आता है, और साथ में दोस्तों आपके इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये भी मनाया जाता है। ओके गाइस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 74/275
जिसके तहत 2020 के अंदर ही इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट है जो कि किया था। ओके, दुनिया के कई सारे देशों ने इसको स्पॉन्सर किया। आपको मालूम है एजुकेशन दोस्तों ऐसी चीजें, देखिए कई सारे बार क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि क्या करते हैं कि एजुकेशन को बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो फॉलोअर्स है, जो उनके वोट बैंक है, वो कभी भी जो है वो टूटे ना। ओके, और देश के अंदर हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा वायलेंस है जो कि चलता रहे ताकि उनका काम बनता रहे। तो दुनिया में इसीलिए दोस्तों इस दिवस को मनाया गया ताकि अटैक से बचाया जा सके। जितनी कम एजुकेशन होगी उतने खराब लीडर है जो कि आपको किसी देश में देखने को मिलेंगे, और उसका बहुत एग्जाम्पल जो है दुनिया के आपको गल्फ कंट्री में, एशियन कंट्रीज में, बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस जो है अवेयरनेस को बढ़ाना, प्रिजर्व करना, एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना किसी भी अटैक से, इसको लेकर यूनेस्को, यूनिसेफ जो है ये सब मिलकर काम है जो कि करते हैं। ठीक है, तो सेव द डेट ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है इसके ऊपर करवाई जाती है। ओके, चलिए, तो दुनिया में कई जगह पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई जगह पे मिलिट्री यूज करती है स्कूल को, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो इन सब अटैक से दोस्तों इंस्टीट्यूशन से बचाना और एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को लेकर ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड के बारे में रिसेंटली पता किया गया है। प्रीवियसली दोस्तों एक आइलैंड के बारे में किसी को पता नहीं था जो कि ग्रीनलैंड से भी ऊपर था। रिसर्चर ने दोस्तों रिसेंटली इसके ऊपर काम कर लिया है। 60x30 meters का दोस्तों एक 3 meters के सी लेवल से ऊपर का एक आइलैंड है जो कि पता क्या है, देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, ग्रीन कवर्ड है, देख सकते हो। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर में आता है, मालूम है ना। इसी के पास में बैफिन बे और बैफिन आइलैंड भी आपको देखने को मिलता है। ओके, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, और यहाँ पे ये देखे ग्रीनलैंड के जस्ट ऊपर में दोस्तों यहाँ पे हैंस आइलैंड है जिसके बारे में डिस्कवरी है जो कि रिसेंटली करी गई है। ठीक है गाइस, ठीक है, तो आइलैंड जो है इसको ओडेक नाम है जो कि दिया गया है। अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन है जो कि इसको बताया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में यहाँ पे काम है जो कि ग्रीनलैंड के नॉर्थ के अंदर किया गया है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इसके सदर्न मोस्ट है, यहाँ पर है ये आइलैंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड के टॉप के अंदर। ये सेवलबर्ड है, ओके, जो कि नॉर्वे के अंदर है। यहाँ पे हमारा रिसर्च स्टेशन भी है, क्या नाम है उसका, हिमाद्री, मालूम है क्या, दक्षिण गंगोत्री, ये सब तो हमारे अंटार्कटिका में, हिमाद्री हमारे कहाँ पर है, नॉर्दक यानी कि आर्टिक जो है ना यहाँ पर है। चलिए, इसके अलावा तो खैर आगे बात करें तो आर्टिक काउंसिल के बारे में बात करें तो आर्टिक काउंसिल जो है डिस्कवरी करी गई थी। देखिए जब आर्टिक नेशंस के बारे में बात हुई थी ना, तब ये भी इनके बीच में एक काउंसिल बनाई गई कि ये सारे कंट्रीज क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आर्टिक वाले क्लाइमेट को और आर्टिक जोन को। तो इन्होंने एक आर्टिक काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया जिसमें कैसे शिपिंग करनी है, कैसे रूट डिफाइन करना है, कैसे फिशिंग करनी है ना, आइस को मेल्ट होने से बचाना है, इसके ऊपर है जो कि काम किया जाएगा। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, जो ये सारे के सारे आईसी कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं आज के इतिहास की दोस्तों। तो 1872 के अंदर यहाँ पे रणजी महाराज जमशेद जी ऑफ नवानगर में क्रिकेटर बने। देखिए रणजी जो है ना, ये रणजी ट्रॉफी जो है वो दोस्तों रणजीत सिंह जी थे, उन्हीं के नाम पे स्टार्ट करी गई थी, जो कि हमारे बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर क्रिकेटर है जो कि हुआ करते थे देश आजादी के टाइम पे। ओके, तो रणजीत सिंह जी जो है उन्हीं के नाम पे इसकी शुरुआत करी गई। तो आज ही के दिन उनका भी जन्म है जो कि हुआ था 1872 के अंदर। द प्रिंस ऑफ द लिटिल स्टेट के उनको कहते हैं, और ओके इंग्लैंड की तरफ से भी इन्होंने खेला है। जामनगर के अंदर इनकी शुरुआत है जो कि हुई 11 सितंबर को, आपको मालूम ही है दोस्तों 9/11 के अटैक भी हुए थे। ओके, 19 मिलिटेंट ने हाईजैक किया था 4 कैलिफोर्निया बाउंड एरोप्लेन्स फ्रॉम ईस्ट कोस्ट सिटी इन द यूएस, और उनको टारगेट बनाया अमेरिका के लैंडमार्क को। 2 प्लेन जो है वो क्रैश हो गए थे 2 टावर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और दोनों बिल्डिंग जो है 2 घंटे के अंदर पूरा नीचे चला गया था, कोलैप्स हो गया था। एक जो प्लेन है वो क्रैश हुआ पेंटागन बिल्डिंग के अंदर, और 4th प्लेन जो है दोस्तों वो वॉशिंगटन डीसी की तरफ चला गया, और वहां पे पेंसिल्वेनिया की फील्ड के अंदर क्रैश है जो कि हो गया था। ठीक है, अटैक के अंदर 6,000 लोग इंजर हो गए और 3,000 लोगों की जान है जो कि चली गई थी, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज है, डिजास्टर है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का देखने को मिला था। उसी के बाद में दोस्तों नाटो ने और अमेरिका ने मिलकर क्या किया, और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अफगानिस्तान से इसका प्लानिंग है जो कि हुआ, और ओसामा बिन लादेन को मास्टरमाइंड है जो कि इसका माना गया था। ठीक है, वोकैबुलरीज की बात करें तो कॉम्बैट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, लड़ना, मना करना, है ना। रिलेंटलेसली का मतलब होता है जब आप कंटिन्यू करते रहते हो, जैसे कि मैराथन भाग रहे हो, आयरन मैन कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो रिलेंटलेसली उसको बोलते हैं। ओनस का मतलब है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलते हैं ओनस। मस्टर का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ फॉर्मल गैदरिंग होती है ना, उसको अपन मस्टर कहते हैं। पर्टिनेंट का मतलब है जो अप्रोप्रिएट चीज़ होती है उसको बोलते हैं।
साथ में ओवर आर्चिंग का मतलब है जब आप किसी भी चीज पे ओवरऑल काम करते हो, किसी भी चीज को कंप्लीट करते हो, ओवर आर्चिंग करते हो, यानी कि पूरी चीज से उसको डिफाइन करते हो। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन 10 बजे, अभी 9 बजे वाली क्लास में फिर से मिलेंगे एन अकेडमी के स्पेशल सेशन पे, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुल मिला के प्रीवियस ईयर का टेस्ट है जो कि मैं आप लोगों से लेने वाला हूँ। देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप कितने अच्छा मार्क्स है जो कि स्कोर करते हैं। ओके गाइस, एन अकेडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए BHU10 या बुनेस्ट है जो कि आप काम में ले सकते हो। आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है। आप कोई से भी एग्जाम के लिए प्लस कोर्स ले सकते हो। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है 12 या 24 महीने पे, और नीचे की तरफ BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, आज का पहला सवाल है यहाँ पे, ब्राह्मणीपुर असेंबली के बाय इलेक्शन जो है दोस्तों कब है जो कि होने वाले हैं। नेक्स्ट है, बीजेपी ने कौन से वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को दोस्तों ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा किया है। दोनों ही बकवास क्वेश्चन है, पहले और सेकंड पेपर में कभी नहीं पूछे जाएंगे। 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के विनर के तौर पे दोस्तों किसको रिकॉग्नाइज है जो कि किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया और ADB ने $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया रूरल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करने को लेकर। 2+2 डायलॉग को लेकर बताया गया दोस्तों 11 सितंबर को इंडिया किसके साथ में जो है वो कर रहा है। तो ये था आज का आपका सेशन दोस्तों, मिलते हैं वापस एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज आपके बर्थडे विशेस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं वापस से, थैंक यू।